हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बिहारी गर्ल राधा राजवंशी, और आपका मेरे ब्लॉग पे बहुत स्वागत है। और आज है डेट 30 आई थिंक, और 29 और 30 में मैं कंफ्यूज हूँ। स्कूल टाइम याद रहता था बट अभी मुझे डेट उतना याद नहीं रहता। और आज मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए देखिए मैं रेडी हूँ। और बाहर क्यों जा रही हूँ, तो आज जाना है डॉक्टर के पास, मेरी बहन को डॉक्टर से चेकअप करवाना है। यहाँ है देखिए, और इनका आँख दिखाना है, जो रूटीन होता है ना दिखाना 3 मंथ 6 मंथ पे, वो रूटीन है, तो इनको दिखाने जाना है। हम लोग वहाँ जाएंगे और 2-3 काम है वो करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि इतनी ठंडी है, मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ, बिकॉज मुझे सूट पे कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैं इनर पहनी हूँ, स्वेटर मैं नहीं पहनती सूट पे। सो क्योंकि हमेशा मुझे सूट ही पहनना होता है और स्वेटर पहनने पे कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं इनर ही पहनूँ। और इसलिए सो बने रहिए मेरे साथ, और देखिए मैं जा रही हूँ। तो सोचा मैंने ब्लॉग भी शूट कर लेना है इस बार दिखाने के लिए आप लोग को, क्योंकि अभी कुछ मैंने वीडियो शूट नहीं करा था, और आज जाती तो फिर बिजी ही रहती, शूट नहीं कर पाती, इसलिए मैं सोची ब्लॉग ही ले लूँ। सो बने रहिए, रेडी हो गई है, हेलो बोल दीजिए। सो दोनों रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं डॉक्टर के पास शिवानी को लेके आँख दिखाने उसका, और फिर आँख दिखा के और हम लोग को 2-3 काम है ना, वो फिर हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, आप लास्ट तक देखिए जरूर वीडियो को, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए मास्क लगा लिए हैं, मम्मी भी लगा लिए और मेरी बहन भी, क्योंकि फिर से कोरोना बढ़ रहा है। बीच में तो स्टेबल था, बढ़ नहीं रहा था, बट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो और हम लोग को हॉस्पिटल में भी जाना है, तो मास्क बहुत ज़रूरी है वहाँ लगा के जाना, बिकॉज हॉस्पिटल में हर तरह के लोग आते हैं, सो वहाँ सेफ नहीं रहता, इसलिए ज़रूरी है मास्क लगा के जाना। और आप लोग भी अगर जाते हो तो प्लीज़ लापरवाही मत करना, एक मास्क लगाने में क्या जाता है, जीवन का सवाल है, आप ही का नहीं सिर्फ आपके फैमिली का भी, इसलिए ज़रूर। और सॉरी, कुछ बेचने आए हैं इसलिए उनका आवाज़ आ रहा होगा। सो अब निकल रहे हैं, हम लोग को लेट हो रहा है। कंजस्टेड है जगह, बिकॉज बहुत हम लोग कम जगह में बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, मुझे तो नींद जैसी आ रही है, तो सो भी रही है। और हॉस्पिटल में तो बोर हो रही थी, फिर अचानक मेरी नज़र इन पे गई, ये मुझे काफ़ी खूबसूरत मंदिर लग रहा था, शंकर जी और पार्वती जी का। हम तीनों बस बैठे थे, बोर हो रहे थे, और हमारा नंबर आने में काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटे से भी ज़्यादा। सो हम लोग बस बैठ के अपने नंबर का वेट कर रहे थे, और जल्दी से सोचे थे दिखा के निकले यहाँ से, क्योंकि हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता। फिर दिखा के हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके थे और सोच रहे थे कि कहाँ जाएं हम लोग, तो याद आया कि वहीं पे हॉस्पिटल के पास में ही हमारी मासी का घर है। तो हम लोग जा रहे हैं मासी के घर, इनका आँख दिखा चुके हम लोग, काफ़ी लेट हो गया, देख रहे हैं फिर देख के पता चल गया होगा। और ये लिए हैं लोग बबिया के लिए और इस बाबू के लिए, ये दोनों कि वो लोग कुछ खा लेंगे। ऐसे तो दोपहर में सारी दुकानें बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं आता, बट लकली ये मिल गया, तो क्या पता खुश हो जाएगी वो देख के। तो चलते हैं, ये देखिए ये लोग आ रही है, तो ये देख के मुझे भी खाने का मन कर दिया है। इधर से लौटते टाइम मैं ज़रूर खरीदूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये मिल रहा है चॉकलेट।
सो हम लोग तो आ चुके हैं, मौसी क्या पता सोई है लग रहा है, बिकॉज ये उनके लिए सरप्राइज है क्योंकि हम लोग उन्हीं के एरिया में आए हैं काम दिखाने, तो सोचे इनसे मिल रहे क्योंकि वो काफ़ी दिनों से हम लोग को बुला रही थी और बहुत ठंड थी इसलिए हम लोग आ नहीं पा रहे थे, बट देखते हैं। सो यहाँ मौसी एकदम से सरप्राइज हो गई थी क्योंकि ये दो दिन पहले ही कॉल की थी आने के लिए, तो हम लोग बोले थे अब न्यू ईयर में आएंगे, अभी नहीं आ सकते, सो इसलिए ये सरप्राइज हो गई। और यहाँ मासी का जो बेटा है वो टीवी देख रहा था, और ये देखिए बबिया को, ये बहुत खुश हो गई थी चिप्स और चॉकलेट लेकर, और थोड़ा शर्मा रही है क्योंकि डेली कॉल पे बात करेगी बट सामने जाने पे थोड़ा देर के लिए शर्माती है और फिर मिलजुल जाती है, फिर खेलने लग जाती है, बट थोड़ा देर शर्माएगी ज़रूर। और ये वही टाइम है, और ये चॉकलेट बहुत पसंद आ गया था इसे क्योंकि ये जल्दी चॉकलेट पूरा ख़त्म नहीं करती, बट ये पूरा खा गई थी जल्दी जल्दी से, देखिए बहुत प्यार से ये खाए जा रही है। खाए कर दो रिसु। तो ये मेरा छोटा भाई है जो देख रहा है कार्टून, देखिए देखो देखो। और फिर मैं यहाँ बोल रही थी मुझे दो खाने के लिए, तो ये बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं दूंगी। देखिए ये यहाँ पे पिक वीडियो बना रही है बबिया का, और बबिया यहाँ पे बैठी है, देखिए बिस्किट खा रही है और थोड़ा शर्मा भी रही है। और यहाँ पे मम्मी है और वहाँ मासी, सॉरी नेल से लग गया थोड़ा सा, तो हम लोग अब जा रहे हैं बातें करने, तो मिलते हैं आप लोग से बाद में।